हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारा एलसीएम चल रहा था, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। उसमें हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेथड नंबर 3, डिवीजन मेथड फॉर टू नंबर्स, है ना। अब सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जिन्होंने नहीं देखा हो, हमने अपने पिछले की वीडियोज में क्या देखा था, हमने मेथड नंबर 2 देखा था, जो कि था प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, विद द हेल्प एलसीएम ही फाइंड आउट करना, विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर टू नंबर्स का अलग से देखा था, थ्री नंबर्स का अलग से देखा था। उसी तरह से आइए आज की हम क्या बात करते हैं इस वीडियो में, डिवीजन मेथड के बारे में देखते हैं। और आज की इस वीडियो में स्पेशली हम क्या करेंगे, ओनली फॉर टू नंबर्स की बात करेंगे, है ना। देखो वही चीज हम लोग थोड़ा थोड़ा लेके इसलिए चल रहे हैं कि स्मॉल 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 स्टेप्स रख रहे हैं, है ना, ताकि एक साथ आप तीन चार स्टेप रखने जाओगे तो गिरने के चांस ज्यादा होते हैं ना, इसलिए स्मॉल स्मॉल स्टेप्स रखें, लेकिन परफेक्ट, है ना, एक्यूरेसी आनी चाहिए, परफेक्शन आना चाहिए ना। तो आज ये हम देखते हैं डिवीजन मेथड के बारे में। अब मैं आपको बता दूं, डिवीजन मेथड ऑलमोस्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा बहुत सिमिलर है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो अब जैसे हम इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे आपको ये मेथड क्लियर हो जाएगा। तो आज आइए हम स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल के साथ हमारा मेथड नंबर 3, तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा एग्जांपल नंबर 1, एलसीएम ही फाइंड आउट करना है 15 एंड 24 टू नंबर्स का। तो मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारा डिवीजन मेथड, लेकिन फॉर किस चीज के लिए, फॉर टू नंबर्स। तो ये ध्यान दीजिए ना, फॉर टू नंबर्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे हम हमारे लास्ट के लेक्चर में जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था उसमें क्या देखा था, जिसके भी एलसीएम फाइंड कर रहे थे उसको हम इंडिविजुअली अलग अलग फैक्टराइज करते थे, लेकिन यह अलग अलग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग सिंपल मेथड है। ध्यान दीजिए, हमने लिखा क्या, 15, 24, है ना। अब ध्यान दीजिए, वहां हम क्या करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन, अलग अलग सिंपली सॉरी अलग अलग फैक्टराइज करते, लेकिन नहीं, यहाँ पर हम एक ही साथ करेंगे, इसमें ये फर्क है ना, और ये उससे भी सिंपल मेथड, ठीक है। आइए देखते हैं, सबसे पहले आपको देखना है 15 है, 24 है, सबसे मिनिमम प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है, ये तो आपको फंडा हमेशा लगाना है ना, सबसे मिनिमम 2 होता है, 215। और हाँ, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 2 के टेबल में 15 तो नहीं जाएगा, पर सिंपल लैंग्वेज में करें 15 नहीं कटने वाले 2 से, तो क्या बोलेंगे, इसको एज इट इज रख दो, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, ये जाएगा 12 है ना, ऐसे। देन आ जाइए नेक्स्ट, यहाँ तो सही है, ठीक है। अगेन आइए, दोनों देखो, जब तक मिनिमम प्राइम नंबर से डिविजिबल है, कट रहा है, तब तक हम उसी को लेके चलेंगे, जहां नहीं कटेगा तब चेंज करेंगे, है ना। यहां से 15 तो नहीं कटेगा तो उसको एज इट इज, जो नहीं कट रहा उसको एज इट इज रखना है, 12 सिक्स जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अगेन 2, 15 एज इट इज, 2 3 जा, ओके। अब 2 से ना ही ये जाएगा ना ही ये जाएगा, तो आ जाइए 3, 3 5 है 15, सही में आ रहा है ना, 3 5 है 15, 3 1 जा 3 एंड 3, सॉरी अब 3 से 5 नहीं जाएगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 आएगा, 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो 5 1 जा 5 और ये 1 एज इट इज, है ना। तो ये हमने क्या किया, डिवीजन मेथड अप्लाई किया, तो ये रहा हमारा डिवीजन मेथड, सिंपल मेथड है, सही में। क्या करना है, सेम वही टेक्निक जो प्राइम फैक्टराइजेशन में थी, प्राइम नंबर्स 1 by 1 लेने, स्मॉलेस्ट से हाईएस्ट 1 by 1 लेने, जो चीज नहीं सिंपलीफाई हो रही, नहीं डिविजिबल, उसको एज इट इज रखते चलो, जो चीज हो रही है उसको करते चलो, ठीक है। लास्ट में जब तक 1 नहीं बचता जब तक हमको कंटिन्यू करना, ये यहां तक स्टेप, एक स्टेप है, एक स्टेप समझ में। अब आपको इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है, आपका आंसर आ गया, एलसीएम किसका निकालना है, 15 24। सिंपल आंसर क्या बनेगा आपको पता है, आपका सिंपल आंसर बनने वाला है जो भी ये है, ये दिख रहा है आपको, इसको क्या करना, कुछ नहीं, इसको कर दो मल्टीप्लाई, हो जाएगा आपका एलसीएम, सही में आ रहा है। जो भी ये प्राइम नंबर जो है फैक्टर्स, इन्हीं सभी को मल्टीप्लाई करो, तो क्या 2 2 2 3 5, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्या दिक्कत आ रही, 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, 40 3 120,
एलसीएम ऑफ 15 एंड 24 आगे 120, कितना सिंपल टेक्निक है ना। देखो जो प्राइम फैक्टर, देखो ये क्वेश्चन उस मेथड से भी सॉल्व होगा, लेकिन वो क्या करना पड़ेगा, 15 का अलग फैक्टराइज करो, 24 को अलग करो, फिर दोनों के प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखो, है ना, फिर दोनों में से ये कंपेयर करो, 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, 3 कितनी टाइम्स आ रहा है, 5 कितनी टाइम्स आ रहा है, वो सब झंझट नहीं है, है ना। बस ये अप्लाई के सभी को मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर 120 है ना, सेम है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, एलसीएम ऑफ 42 एंड 69। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है, क्या करना है, सबसे सिंपल टेक्निक है, अलग अलग नहीं एक साथ इसको डिवीजन मेथड अप्लाई करना है, जो भी प्राइम नंबर्स बन रहे, फैक्टर्स बन रहे, उन सभी को मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर सामने है। आ जाइए इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो क्या है 42 69, और हाँ देखो उसमें लिखने का तरीका भी, डिवीजन मेथड अप्लाई करो, 42 बीच में कॉमा, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, जस्ट, और यहाँ 69। अब वन बाय वन, मिनिमम प्राइम नंबर 2 2 21, लेकिन 2 के टेबल में ये नहीं है, उसको एज इट इज, पर सही चीज है, जो डिविजिबल हो जाए, जो परफेक्टली कट जाए, मतलब सिंपलीफाई हो जाए, उसको करो, नहीं हो रहा तो छोड़ दो। देन अगेन 2 की टेबल नहीं दिया है, नहीं तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर पर। तो क्या आएगा, 3 3 7 21, 3 क्या आ जाएगा, 23 आएगा, 3 2 6, 3 3 9, समझ आ रहा है। अब फिर से दोनों 3 से नहीं होगा, तो आ जाइए 7 से करते हैं, 7 1 7, लेकिन 7 3 से 21 होता है, 23 में, तो इसको भी एज इट इज। अब देखो यहाँ पर क्या लिखे, 7 के बाद 8 3 24 9 2 89 3 27, तो मतलब करते करते आप एक चीज नोटिस करेंगे, 23 खुद ही एक प्राइम नंबर है, या तो ये 1 के टेबल में आएगा, या खुद के टेबल में आएगा, और किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो इसको एज ए 2 यहाँ प्राइम नंबर लिख रहे हैं, 23 1 23, है ना, हो गया। लास्ट में 1 है, स्टॉप। फाइनली आपको क्या करना, आपका आंसर आ गया, एलसीएम निकालना है। एलसीएम किस चीज का, 42 एंड 69, क्या आएगा एलसीएम, क्या आएगा, कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ पर है इन सभी को क्या कर दो, इन सभी प्राइम नंबर को कर दो मल्टीप्लाई, आपका हो गया आंसर। तो क्या होगा, 2 into 3 into 7 2 into 3 into 7 into 23, समझ आ रहा है ना, कहीं भी डाउट हो तो पूछो, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 6 6 7 42 42 23 साइड में देख लो, 42 23 3 2 6 4 3 12 16 1 के लिए 4 2 8 9, ये थी वैदिक मैथमेटिक्स, ठीक है, वो भी मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपका आंसर आ गया एलसीएम 966, सही में ठीक हो गया, आपका आंसर क्या हो गया, 966, है ना। तो आपका एलसीएम क्या आ गया, 966, ये आपका फाइनल आंसर है ना, समझा। तो ये था हमारा डिवीजन मेथड, ओनली किस चीज की बात की, ओनली 2 नंबर्स के, है ना। तो आज के लेक्चर बस हम यहीं पे रखेंगे, अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो बताइए, है ना। और आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, देखो 96 इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट सबसे मिनिमम वैल्यू, तो हाईएस्ट कितना ज्यादा, है ना। और अगर आप इसको कौन से मेथड से, फर्स्ट मेथड थी जो कौन सी थी, लिस्टिंग द मल्टीपल्स, उससे मल्टीपल को लिस्ट करते चलते तो जिंदगी निकल जाती है ना। और अगर प्राइम फैक्टराइज करते तो कितने प्राइम नंबर्स का, तो मतलब ये मेथड जिससे और आपको इजी रहेगी अगर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के, है ना, इसीलिए वन बाय वन ये सारी मेथड्स आई है ना। तो आज के लेक्चर बस यहीं पे रखते हैं, आपको अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी डाउट हो पूछिए। तो अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम डिवीजन, सॉरी मेथड 3 करेंगे, डिवीजन मेथड ही करेंगे लेकिन फॉर 3 नंबर्स। तो आ जाइए, हम खत्म करते हैं आज का लेक्चर, तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए, तब तक सभी को गुड बाय।